हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टार्टअप्स में। वीवर, आज है 1 जनवरी 2023, नए साल का आगाज हो चुका है। एक नई सुबह में हमारी एक नई वीडियो आप वीवर्स के सामने हम पेश करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम, जहां पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री 2022 क्लोज हो चुका है, तो 2023 के जनवरी से लेकर मार्च के दरमियान में कौन कौन सी इंडियन बड़ी मूवीज हम वीवर्स को देखने को मिलेंगी, उनकी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आप वीवर्स को प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके नए साल का नया दिन फ्रेश रहे। तो 2023 के जनवरी से लेकर मार्च के दरमियान रिलीज होने वाली मूवीज कौन कौन सी हैं, जिनका आपको इंतजार करना चाहिए, ये कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो 2023 में सबसे पहले हमें एक हॉरर मूवी का सामना करना पड़ेगा। फिल्म का नाम है दवाई, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं गिरी देवा राज। फिल्म की लीड कास्ट में लिनीला, स्वीता डिसूजा, योवान हरिहरन और कमल कुमार शामिल हैं। और ये हॉरर मूवी आपको 6 जनवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिलेगी। तो 2023 में दूसरी सबसे बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है थुनिवु, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं एच विनोद। और फिल्म की लीड कास्ट में तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर अरिजीत कुमार और मंजू वारियर शामिल हैं। और तमिल लैंग्वेज की ये एक्शन ड्रामा थ्रिल मूवी आपको 11 जनवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और 2023 की एक और मच अवेटेड अपकमिंग मूवी वारासु, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं वामसी पेदाबली। फिल्म की लीड कास्ट में थलापति विजय और रश्मिका मंदाना शामिल हैं। तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा थ्रिल मूवी है, जो कि आपको 12 जनवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और 2023 में चौथी अपकमिंग मूवी का नाम है सचिन द अल्टीमेट वॉरियर। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं दिवेप राजकुचर और फिल्म की लीड कास्ट में वेद थापर और धैरव राव शामिल हैं। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है और ये फिल्म आपको 13 जनवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और वीवर, जनवरी 2023 की एक और बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है कुत्ते, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं आसमान भारद्वाज। फिल्म का रिसेंटली ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, दर्शकों ने काफी पसंद किया है इस फिल्म के ट्रेलर को। फिल्म की लीड कास्ट में तबू नसीरुद्दीन शाह, अर्जुन रामपाल और राधिका मदान और कोंकण सेन शर्मा इस फिल्म का हिस्सा है। और कुत्ते एक फुल एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिल के साथ साथ कॉमेडी मूवी भी है और ये फिल्म आपको 13 जनवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और व्यूअर, 2023 की छठी बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है लकड़ भग्गा, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं विक्टर मुखर्जी। फिल्म की लीड कास्ट में आदरिता दी और रिद्धि दोर्गा शामिल हैं। तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन मूवी है और ये फिल्म आपको 13 जनवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और 2023 की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी वीरा सिम्हा रेड्डी, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं गोपी चंद मालिनी। फिल्म की लीड कास्ट में तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर नंदामुरी बालकृष्णा, श्रुति हसन शामिल हैं। और ये तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी है, जो कि आपको 14 जनवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और यूर, जनवरी 2023 की एक और बड़ी अपकमिंग मूवी वाल्टर वेरिया, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं के एस रविंद्रा। फिल्म की लीड कास्ट में सुपरस्टार एक्टर रवि तेजा और साथ ही साथ सुपरस्टार एक्टर चिरंजीवी सर और उनका साथ देंगी श्रुति हसन। तेलुगु लैंग्वेज की एक फुल मास एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी है और ये फिल्म आपको 14 जनवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और यूर, जनवरी 2023 की एक और मच अवेटेड मूवी मिशन मजनू, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं शंतानु बागची। फिल्म की लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रश्मिका मंदाना, मोहसिन खान और प्रमिथ शेट्टी शामिल हैं। और ये स्पाई थ्रिल मूवी 20 जनवरी 2023 को डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आप व्यूअर्स को देखने को मिलेगी। ये फिल्म डायरेक्टली डिजिटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, थिएटर्स पर यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। और यूर, 2023 जनवरी की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी पठान, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। फिल्म की लीड कास्ट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा मेन कैरेक्टर में आप व्यूअर्स को दिखाई देंगे। तो इस फिल्म में सलमान खान टाइगर के कैरेक्टर में स्पेशल अपीयरेंस भी देते हुए नजर आएंगे। ये 2023 की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी है और 2018 के बाद शाहरुख खान की 2023 में आने वाली पहली फिल्म है लगभग 3 से 4 साल के दरमियान में। तो पठान एक फुल एक्शन क्राइम थ्रिल स्पाई ड्रामा मूवी है, जो कि 25 जनवरी 2023 को थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान कर दी गई है। और जनवरी 2023 की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है तेहरान। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अरुण गोपालन। फिल्म की लीड कास्ट में जॉन अब्राहम और मानुषी चिल्लर शामिल हैं। और ये एक्शन थ्रिल मूवी 26 जनवरी 2023 की डेट पर फाइनल की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि 25 जनवरी को शाहरुख खान और जॉन अब्राहम स्टारर पठान रिलीज हो रही है, तो उसके मुकाबले पे तेहरान को क्लैश नहीं किया जाएगा।
और वह जनवरी 2023 में रिलीज होने वाली अपकमिंग नेक्स्ट मूवी का नाम है गांधी गॉडसे एक युद्ध। इस फिल्म को 90s के सुपर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म की लीड कास्ट में दीपक अंतानी और चिन्मय मदलेकर शामिल है और यह हिस्ट्री ड्रामा मूवी 26 जनवरी 2023 को रिलीज के लिए प्लान की गई है। और जनवरी 2023 की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है हु एम आई। फिल्म की लीड कास्ट में चेतन शर्मा और ऋषिका चंदानी शामिल हैं। तेलुगु लैंग्वेज की एक स्पाई थ्रिल ड्रामा मूवी है जो कि 27 जनवरी 2023 को रिलीज के लिए प्लान की गई है। और जनवरी 2023 में की अपकमिंग नेक्स्ट मूवी का नाम है एजेंट। ये एक मच अवेटेड साउथ इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की अपकमिंग मूवी है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुरेंद्र रेड्डी। फिल्म की लीड कास्ट में मेमोथी आखिल अखनीनी और साक्षी वैद्या शामिल हैं। तेलुगु लैंग्वेज की एक फुल एक्शन स्पाई थ्रिल ड्रामा मूवी है जो कि जनवरी 2023 में रिलीज के लिए प्लान की गई है। फिलहाल फिल्म की डेट फाइनल नहीं हुई कि किस डेट पर रिलीज होगी, लेकिन ये फाइनल किया गया है कि जनवरी ही में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। और फरवरी 2023 में मच अवेटेड अपकमिंग मूवी शहजादा आप यूवर्स को देखने को मिलेगी जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित धवन। फिल्म की लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन, कृति सेनन और परेश रावल शामिल होंगे। कार्तिक आर्यन की बात करें तो 2022 में भूल भुलैया 2 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस में बड़ा धमाका किया, तो इसके साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर फ्रीडी जैसी मूवी में काम करके उन्होंने अपनी एक्टिंग को भी मनवाया है। तो शहजादा मूवी की बात करें तो ये अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी का रीमेक है और ये एक फुल एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो कि आपको 10 फरवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और फरवरी 2023 की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है दास कदम की। फिल्म की लीड कास्ट में विश्वास सिंह, नेविता पेथुराज और राव रमेश शामिल हैं। और दास कदम की एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो कि 17 फरवरी 2023 को थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान की गई है। और वीवर फरवरी 2023 की नेक्स्ट मच अवेटेड अपकमिंग मूवी का नाम है वाथी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विन की एट लोरी। फिल्म की लीड कास्ट में साउथ इंडियन तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर धनुष और उनका साथ दे रही हैं संयुक्ता मेनन और साई कुमार। तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी है जो कि 17 फरवरी 2023 को थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान की गई है। और फरवरी 2023 में एक और मच अवेटेड मूवी मैदान भी रिलीज के लिए प्लान की गई है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अमित रविंद्र नाथ शर्मा। फिल्म की लीड कास्ट में अजय देवगन और प्रिया मानी शामिल होंगे और ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जो कि आपको 17 फरवरी 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। फरवरी 2023 की एक और मच अवेटेड अपकमिंग मूवी का नाम है सेल्फी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राज मेहता। फिल्म की लीड कास्ट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर अक्षय कुमार और उनके साथ इमरान हाशमी, नुसरत भरूचा और डियाना बेंडी शामिल होंगे। सेल्फी एक एक्शन कॉमेडी थ्रिल मूवी है जो कि 24 फरवरी 2023 को थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान की गई है। और फरवरी 2023 में एक और अपकमिंग मूवी प्लान की गई है। फिल्म का नाम है रन बेबी रन। फिल्म की लीड कास्ट में ऐश्वर्या राजेश और सुमृति वेंकट शामिल हैं और ये एक थ्रिल मूवी है जो कि फरवरी 2023 में थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान की जाएगी। फरवरी 2023 के लिए एक और फिल्म भी प्लान की गई है। फिल्म का नाम है दकाओ। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राज मेहता। फिल्म की लीड कास्ट में तबू, करीना कपूर और कृति सेनन शामिल होंगे। ये एक एक्शन थ्रिल मूवी है। ये भी फरवरी 2023 में किसी भी टाइम थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान की जा सकती है। और व्यूअर मार्च 2023 की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आशिमा छिबर और फिल्म की लीड कास्ट में मिसेस चटर्जी का करेक्टर रानी मुखर्जी प्ले कर रही हैं और ये एक फुल कॉमेडी ड्रामा मूवी होने जा रही है और ये फिल्म आपको 3 मार्च 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और इसी तरह मार्च 2023 की एक और मच अवेटेड अपकमिंग मूवी तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं फेमस डायरेक्टर लव रंजन जो कि इससे पहले प्यार का पंचनामा सीरीज की मूवीज बना चुके हैं। इसके अलावा सोनू की ट्वीटू की स्वीटी, इसके अलावा अजय देवगन के साथ दे दे प्यार दे जैसी मूवी बना चुके हैं और अब रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ तू झूठी मैं मक्कार जैसी मूवी बनाने जा रहे हैं और ये भी इनकी मूवीज की तरह कॉमेडी ड्रामा मूवी होने जा रही है और ये फिल्म आपको 8 मार्च 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और व्यूअर मार्च 2023 की एक और बड़ी मच अवेटेड अपकमिंग मूवी भोला जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र शर्मा। भोला साउथ इंडियन मूवी कायथी का रीमेक होगा। 2022 के एंड में दृश्यम के रीमेक में दमदार एक्टिंग करके अजय देवगन ने दृश्यम 2 को एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाया है। तो इसी तरह भोला मूवी से भी काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इस फिल्म में अपने अलग रंग की एक्टिंग करके अजय देवगन इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर मूवी बना सकते हैं। भोला मूवी की बात करें तो फिल्म की लीड कास्ट
में अजय देवगन, तबो, संजय मिश्रा, दीपक दुबरियाल शामिल हैं और ये एक फुल एक्शन क्राइम थ्रिल ड्रामा मूवी है और ये फिल्म आपको 30 मार्च 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और 2023 मार्च की एक और मच अवेटेड अपकमिंग मूवी हरी हरा वीरा मल्लू। फिल्म की लीड कास्ट में पवन कल्याण, निधि अग्रवाल और इनका साथ देंगे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से बॉबी देओल और नरगिस फकरी। तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा थ्रिल मूवी है जो कि 30 मार्च 2023 को थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान की गई है। मार्च 2023 की एक और बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है दशहरा। फिल्म की लीड कास्ट में नानी, कीर्ति सुरेश शामिल हैं। तेलुगु लैंग्वेज की एक फुल मास एक्शन मूवी है और ये फिल्म आपको 30 मार्च 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और व्यूअर, मार्च 2023 की एक और अपकमिंग मूवी आजम, राइज ऑफ अ न्यू डॉन। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सारावन तिवारी। फिल्म की लीड कास्ट में अभिमन्यु शेखर सिंह, जिमी शेरगिल, इंद्रनील संगुप्ता और गोविंद नामदेव शामिल हैं। आजम राइज ऑफ अ न्यू डॉन ये क्राइम सस्पेंस थ्रिल ड्रामा मूवी है और ये फिल्म मार्च 2023 में रिलीज के लिए प्लान की जा रही है। तो और ये थी 27 जनवरी से लेके मार्च के दरमियान बड़ी अपकमिंग मूवीज की डिटेल। तो आज की इस लिस्ट में मौजूद जनवरी से मार्च के दरमियान में रिलीज होने वाली इन 27 अपकमिंग मूवीज में आपको किन किन मूवीज का शिद्दत से इंतजार है, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। और जाते जाते आप तमाम व्यूवर्स को जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को नए साल की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारे आज का वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल मैसान स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल मैसान स्टार्टर्स को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और इसके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आप हमारी आज का वीडियो किस शहर, किस देश से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में इसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें यह जानकर खुशी महसूस होगी कि हमारे ये वीडियो कहां कहां पर देखा जा रहा है। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया।